पंचकुला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पंचकुला नगर निगम कार्यालय में जूनियर इंजीनियर और कुछ पार्षदों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ और जमकर मारपीट की गई और इस बीच जूनियर इंजीनियर को काफी चोटें आ गई। मिली जानकारी के अनुसार जूनियर इंजीनियर और पार्षदों के बीच किसी काम को लेकर पहले बहस हुई, जिसके बाद ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल इस झगड़े के बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई है, जिसने मामले को शांत करवाया है। वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। निगम के अंदर जो है पार्षद है वार्ड नंबर 6 से पंकज, और वो किसी दूसरे वार्ड नंबर 4 के पार्षद के साथ किसी बात के लिए वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने झगड़े के दौरान वहाँ के जो जेई हैं रोहित सैनी उसको चोटें मारी हैं। आज मैं अपने ऑफिस में तकरीबन 12 बजे के आसपास डीएमसी सर के बुलाने पे उनके पास गया, जहाँ पे अक्षय चौधरी और ये पार्षद पंकज मौजूद थे। मैं अक्षय चौधरी जी से बात कर रहा था, तो इतने में पंकज जी ने जो पार्षद आया, खैर मैं उनको जानता भी नहीं था, मुझे बाद में पता लगा वो पार्षद पंकज जी बदतमीजी करने लगे, तो मैंने बोला उनको कि बदतमीजी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इतने में डीएमसी साहब बोले कि आप दूसरे रूम में चले जाओ, कमिश्नर साहब के रूम में, तो मैं उनके पास वहाँ चला गया। तो मैं और डीएमसी साहब करके बात ही कर रहे थे, तो इतनी देर में कुछ देर बाद तकरीबन 5 से 6 व्यक्ति, जिसमें अक्षय चौधरी और भैया पंकज और 3-4 और व्यक्ति आए और मारपीट करने लगे।